नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भारती जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे तिलक बेहरा जी और हमारे पार्टी के कई लोग आए हुए हैं। और सिर्फ पार्टी की ही बात मैं नहीं कहूंगी, यहाँ संदीप के सहयोग के लिए और उसके दुख दर्द को समझने के लिए यहाँ कई पार्टी के लोग आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत दुखद घटना हुआ है हमारे सरगुजा में, सीतापुर में। ऐसा घटना सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 महीने से शरीर को गाड़ा गया और अब उसकी बॉडी 9 दिन पहले मिला है, मुझे ये पता चला है। आज भी उसकी बॉडी को रखा गया है मरकरी में। सोचिए कितनी दुखद बात है, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इतने दिनों से ये धरना में यहाँ बैठे हुए हैं, मृतक की पत्नी, उसकी माता, परिवार वाले। ये कैसी सरकार है, मैं आज इस सरकार को दोषी मानती हूँ। आज उससे ज्यादा मुझे तकलीफ हुआ, आते ही मैंने सुना कि यहाँ कलेक्टर महोदय आए थे, यहाँ के अधिकारी कलेक्टर साहब आए थे। उन्होंने क्या बोला कि नौकरी देंगे, बोला नौकरी देंगे लेकिन लिखित में नहीं देंगे। ये क्या मतलब रहा, शर्म की बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, कलेक्टर साहब को शर्म करनी चाहिए कि इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी उस मृतक परिवार को एक नौकरी लिखित में देने में उनको तकलीफ हो रहा है। कौन इनको रोक रहा है, किसने इनको मना किया है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और मेरी बहन मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, जो मैंने सुना है कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, इनके पास जब आप लोग पहली बार मिलने गए, शायद 150 लोग आप सब मिलने गए, तो संदीप के लिए बहुत बुरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। ये सुना तो मैं शॉक्ड हो गई कि चोर का परिवार, चोर चोर के लिए आए, ये कोई तरीका है? ऐसे सरकार को, ऐसे विधायक को मुझे लगता है ना, हम सबको लात मार के भगा देना चाहिए। ऐसा उसने बात बोल दिया, तकलीफ होता है हम लोगों को ये सुनकर। और आज वो संवेदना देने के लिए आपको यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सब आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए वो संवेदना देने आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने किस बात को रखा, शर्म आती मुझे ऐसे विधायक पर। एक युवा विधायक को हमने चुना, सीतापुर के लोग सब ने चुना कि एक युवा है, कुछ अलग कर जाएगा, कुछ अच्छा कर जाएगा। लेकिन कुछ अच्छा क्या, एक युवा का साथ नहीं दे सकता, एक आदिवासी का साथ नहीं दे सकता, ये कैसी। सरकार सम्मिलित है, इंसाफ ना मिलने का कारण संदीप हत्याकांड का भाजपा सरकार है। यहाँ के विधायक साथ नहीं दे रहे हैं, यहाँ के गृह मंत्री से लेकर CM तक साथ दे रहे हैं आरोपी का। 4 महीने बीत गए, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, ना मृतक महिला, मृतक व्यक्ति की महिला को, उसकी वाइफ को उसको सहयोग राशि तक नहीं मिला है, ना उसकी कोई बात सुनी गई है। इनकी 8 सूत्री मांगे हैं, ये बिल्कुल पूरी नहीं की गई है। और जो कि आज सुनने में आया कि कलेक्टर साहब आके उनको एक नौकरी की मांग की बात चली थी, उसमें भी वो पूरा नहीं कर पाए। तो पूरी तरह से भाजपा सरकार इसमें सम्मिलित है और इंसाफ दिलाने वाले तो मुझे नहीं लग रहा है वो है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज और हम सब मिलकर इस पर लड़ेंगे और इंसाफ दिलाने का पूरा काम करेंगे। क्या लगता है, पुलिस प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही दिखने को मिल रही है? बिल्कुल, पूरी तरह से लापरवाही है, बिल्कुल वो काम ही नहीं कर रहे हैं। जब ऊपर से उनको आदेश ही नहीं दिया जा रहा है कि आरोपी को ढूंढे, तो वो कैसे काम करेंगे? पुलिस प्रशासन पूरी लापरवाही है, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी लापरवाही कर रही है। लेकिन वो जितना भी लापरवाही कर ले, हम सब मिलकर बिल्कुल उस पर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी साथ में, सर्व आदिवासी समाज भी साथ में, और सारी, मुझे लग रहा है, सीतापुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता भी इस आंदोलन में सम्मिलित होने वाले हैं और संदीप को इंसाफ दिलाने वाले हैं।